हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट रोज पेंडेंट। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड। एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8, हुक 0.5 mm, सीजर, फैब्रिक ग्लू, गोल्डन वायर, हेड पिन, जंप रिंग, पॉल हैंगिंग, गोल्डन चेन, कटर, प्लायर और स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रोज़ बनाएंगे, एक नॉट लगाएंगे, चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 37 चेन बनाएंगे। 37 चेन बना लिए, स्किप 3 चेन, फोर्थ चेन में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट 3 चेन, 1, 2, 3, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर से चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, सेम स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में यानी नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट 3 चेन, 1, 2, 3, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, 2 पैटर्न्स हमने बना लिए। सेम पैटर्न में नेक्स्ट 2 पैटर्न्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने सेम पैटर्न में 4 पैटर्न्स बना लिए। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, सेम चेन में यानी सेम स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशे,
नेक्स्ट चेन में वन ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट थ्री चेन, वन टू थ्री, सेम चेन में यानी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट थ्री चेन, वन टू थ्री, सेम चेन में वन ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में टू ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट थ्री चेन, वन टू थ्री, सेम चेन में स्लिप स्टिच डालेंगे। इस तरह से हमने टू पैटर्न्स बना लिए। सेम पैटर्न में नेक्स्ट टू पैटर्न्स बनाएंगे। सेम पैटर्न में फोर पैटर्न्स बना लिए। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट थ्री चेन, वन टू थ्री, सेम चेन में वन ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट 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 थ्री चेन, वन टू थ्री, सेम चेन में स्लिप स्टिच डालेंगे। थ्रेड को यहां से कट करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से इसे बना लेना है। नेक्स्ट एक रिंग बनाएंगे। रिंग बन गई। चेन वन, रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे। इस तरह इस रिंग में फाइव सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फाइव सिंगल क्रोशे बना लिए। थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। चेन वन, सेम स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, स्किप वन चेन, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे,
नेक्स्ट चेन में 1/2 डबल क्रोशे, स्किप 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच, फिर से चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, स्किप 1 चेन, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1/2 डबल क्रोशे, स्किप 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट, स्किप 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से इसे बना लेना है। नेक्स्ट यहाँ मिडिल में हुक डालेंगे, दोनों थ्रेड को इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट लिप बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन बनाएंगे 1, 2, 3, इस रिंग में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट इस रिंग में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1, ट्रिपल क्रोशे के ऊपर टॉप में स्लिप स्टिच डालेंगे, नेक्स्ट रिंग में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट 3 चेन 1, 2, 3, रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, थ्रेड को नीचे ले जाएंगे, इसे खींचकर टाइट करेंगे। इस तरह से हमें लिप बना लेना है। नेक्स्ट इसमें हम स्टार सप्लाई करेंगे। इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें मिडिल में हम थोड़ी सी स्टार सप्लाई करेंगे, हुक की हेल्प से इस तरह से शेप देंगे, मिडिल में हमें स्टार सप्लाई करना है, इस तरह से शेप देना है, इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें भी हम बैक साइड में स्टार सप्लाई करेंगे, सारे पैटर्न्स में हम इस तरह से स्टार सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसे शेप देंगे, बैक साइड से बीट्स की हेल्प से इस तरह से प्रेस करेंगे, शेप देना है, इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें बैक साइड में हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, बॉर्डर में हमें ग्लू लगाना है, इसे रोल करेंगे,
बॉर्डर में ग्लू लगाएंगे, इसे रोल करेंगे, यहाँ ग्लू लगाएंगे, इसे हम इस तरह से चिपका देंगे, इसे प्रेस करेंगे, इस तरह से चिपका लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 3 पीसेस लीफ बना लिए हैं। नेक्स्ट गोल्डन वायर लेंगे, यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड लेंगे, इसके ऊपर से इस तरह से चिपका देंगे, इसे रोल करेंगे, थोड़ी सी ग्लू और लगाएंगे, लीफ लेंगे, इसे हम इस तरह से चिपका देंगे, इसे रोल करेंगे, नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, लीफ लेंगे, इस तरह से इसके साथ रखेंगे, और एक लीफ लेंगे, इसे भी हम इसके साथ इस तरह से रखेंगे, इसे रोल करेंगे, टाइट करके रोल करना है। यहाँ ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे कट कर लेंगे। नेक्स्ट इसे लेंगे, यहाँ मिडिल में हम हेड पिन डालेंगे, यहाँ ग्लू लगाएंगे, थ्रेड लेंगे, इसके ऊपर से इस तरह से चिपका देंगे, रोल करेंगे, रोल करते हुए नीचे आएंगे, वापस रोल करते हुए ऊपर जाएंगे, इस तरह से रोल करना है, रोल करते हुए फिर से हम नीचे आएंगे, यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे। नेक्स्ट लीफ लेंगे, इसे हम इसके साथ इस तरह से रोल करेंगे, से हम यहाँ तक इसी तरह रोल कर लेंगे, इस तरह से हमें रोल करना है। नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे,
एक्स्ट्रा वायर और थ्रेड है, इसे हम कट करेंगे। थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा वायर है, इसे भी हम यहाँ से कट करेंगे। थोड़ी सी ग्लू और लगाएंगे, से इस तरह से रोल करेंगे, से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे, से अच्छी तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट पिन को यहाँ से मोड़ेंगे, हुक बनाएंगे, इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से हुक बना लेंगे, इस तरह से हमें स्टिक बना लेना है। नेक्स्ट जंप रिंग लेंगे, इसको खोलेंगे, इसे हम यहाँ डालेंगे, इसको यहाँ से बंद करेंगे। इस तरह से हमें जंप रिंग लगा लेना है। नेक्स्ट पर्ल हैंगिंग लेंगे, जंप रिंग लेंगे, इसको खोलेंगे, इस तरह से डालेंगे, इसे हम यहाँ डालेंगे, इस तरह से इसको यहाँ से बंद करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम ग्लू लगाएंगे, फ्लावर लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट करेंगे, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे, इस तरह से इसे चिपका लेना है। नेक्स्ट इसको हम यहाँ इस तरह से शेप देंगे, मोड़ेंगे, फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट है। इसमें हम चेन डालेंगे, इसको यहाँ से बंद करेंगे। फ्रेंड्स अब ये रेडी है, आप भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंडेंट है ये।